बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए DHA फिजिक्स लाहौर में एक कनाल का घर लेकर आया हूं, जिसे बहुत ही ज़बरदस्त और लग्जीरियस तरीके से स्पेनिश डिज़ाइन में तैयार किया गया है। 5-बेडरूम हाउस है, जिसमें 2 बेडरूम और स्टोर रूम को ग्राउंड फ्लोर पर और 3 बेडरूम को फर्स्ट फ्लोर पर डिज़ाइन किया गया है। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं पूरे घर की डिटेल्स और फिर उसके बाद प्राइस शेयर करूँगा। अब बढ़ते हैं घर के ओवरव्यू की जानिब। उससे पहले मैं आपको इस घर की डायमेंशंस बता देता हूँ। 50x90 इस घर के डायमेंशंस हैं, जैसे कि DHA के एक कनाल के स्टैंडर्ड प्लॉट का साइज़ होता है। और ये है इस घर का स्ट्रीट ओवरव्यू। फेज 6 की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पे बना हुआ ये घर है, बहुत ही खूबसूरत लग्जेरियस है। इसका फ्रंट एलिवेशन है और ये है इसके मेन गेट का डिज़ाइन, जिसको रॉट आयरन का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया। कार रैम पे आप देख सकते हैं स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया। और ये है इस घर के बाहर का आउटर लॉन एरिया। अब बढ़ते हैं घर के अंदर के हिस्से की जानिब। ये है इस घर का कार पोर्च, जहाँ पे अगेन स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया और 3 बड़ी गाड़ियाँ बहुत ईजिली पार्क की जा सकती हैं। पोर्च का सीलिंग डिज़ाइन भी देख लें आप। और राइट साइड पर वॉल डिज़ाइनिंग भी की गई है यहाँ पर। जबकि घर में एंटर होकर लेफ्ट साइड पर घर के इनर लॉन एरिया को डिज़ाइन किया गया। सामने सिटिंग प्लेस भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन। और ये है इस घर की मेन एंट्रेंस, यहाँ पे ग्रेनाइट का यूज़ किया गया। सामने आप देख सकते हैं इसका मेन डोर, जिसको रॉट आयरन और सॉलिड एशवुड का यूज़ करके डिज़ाइन किया गया। यहाँ से भी इसका व्यू देख लें। और इधर फर्दर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे स्टोन वर्क यूज़ किया गया है वॉल को डेकोरेट करने के लिए। और अब बढ़ते हैं घर के अंदर के हिस्से की जानिब। घर में आप जैसे एंटर होते हैं, काफ़ी बड़ा यहाँ पे रिसेप्शन एरिया आपको मिल जाता है। और यहीं से इसका डबल हाइटेड व्यू भी आप देख सकते हैं। राइट साइड पर आप अपने कार पोर्च का व्यू देख सकते हैं। इधर से आगे आके आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे घर के ड्राइंग रूम को डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे फ्लोरिंग कंप्लीट सुपर ग्लोसी वुडन की गई है। ये इसका आप देख सकते हैं सीलिंग डिज़ाइन। बिल्कुल सामने मीडिया वॉल है, डावलंस कंपनी का रिवर्सिबल इन्वर्टेड AC है। उसी के साथ वॉल पे आप इम्पोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग भी देख सकते हैं। फर्दर यहाँ लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे एलुमिनियम की विंडोज़ को डिज़ाइन किया गया। ये ड्राइंग रूम का सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ से आप अपने लॉन का व्यू देख सकते हैं। इधर भी सामने वॉल पे अगेन इंपोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग। और ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग एरिया को डिज़ाइन किया गया। ये डाइनिंग एरिया का सीलिंग डिज़ाइन है। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे विंडोज़ हैं वेंटिलेशन के लिए। और इधर से बाहर से भी आप एक्सेस ले सकते हैं डाइनिंग एरिया की। राइट साइड पर ड्राइंग रूम की एक्सेस है, ये डाइनिंग की। और अब मैं आपको बाहर से लेके चलता हूँ घर के फर्दर प्लान की तरफ। रिसेप्शन एरिया पे आके आगे आके थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे स्टेयर्स के नीचे काफ़ी स्पेस है, इसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये जो सामने वॉल देख रहे हैं, कम्प्लीटली मिरर को फिक्स किया गया इस वॉल पर। और ये है पाउडर रूम, पाउडर रूम का सीलिंग डिज़ाइन। ये इसकी फ्लोरिंग देख लें, सामने कमोड है और ये वैनिटी, उसी के ऊपर मिरर। घर की जो थीम है उसको आप देख सकते हैं कि वाइट रखा गया है, बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल सी लुक प्रोवाइड कर रहा है घर। और ये है घर के ग्राउंड फ्लोर के फर्दर एक्सेस। इधर से आगे आके आप देखेंगे सिटिंग लाउंज, जिसको आप टीवी लाउंज भी बोल सकते हैं। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, सेंटर में खूबसूरत सा शैंडिलियर है। बिल्कुल सामने काफ़ी बड़ी विंडोज़ मिल जाती हैं गेन वेंटिलेशन के लिए। और ये है मीडिया वॉल, मीडिया वॉल के राइट साइड पे ही फायर किट को भी लगाया गया है। इधर से भी व्यू देख लें, लेफ्ट साइड पे भी पूरे घर में जहाँ पे भी आप देखेंगे, एक तो वाइट थीम इस पूरे घर को दी गई है और उसी के साथ साथ बहुत ही डिटेल्ड वर्क किया गया है पूरे घर में। और यहाँ से सामने
किचन को डिज़ाइन किया गया। ये किचन की पार्टीशन है जिसको बनाने के लिए अगेन ग्लास और सॉलिड एशवुड का ही यूज़ किया गया। इस किचन में आप जैसे एंटर होते हैं ये इसका देखेंगे आप सीलिंग डिज़ाइन। एंटर हो के थोड़ा सा राइट साइड पे यहाँ पे स्लैब को बनाया गया जहाँ पे बर्नर है उसके ऊपर किचन हुड। फर्दर यहाँ से आप देखेंगे तो किचन की कैबिनेट्स को डिज़ाइन किया गया और इधर राइट साइड पे इलेक्ट्रिक और माइक्रोवेव अवन, उसके साथ हायर कंपनी का 2-डोर रेफ्रिजरेटर भी है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सर्विस किचन की तरफ। ये यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ आप देखेंगे कि अगर आप मेन किचन का जो बर्नर है उसके बिल्कुल साथ ही अपने सर्विस किचन की एक्सेस लेते हैं। इसमें एंटर हो के ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और यहाँ पे जो ये बनाई गई है स्लैब, इसको हाइड्रेटली रखा गया है। नॉर्मली जो आपने भी घर देखे होंगे अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और काफ़ी घर जो मैंने देखे हैं सर्विस किचन की जो स्लैब है उसको नॉर्मल हाइट पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हाइड्रेट है। इधर ही आपको इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की हुई मिल जाती है, सामने वॉश बेसन है और राइट साइड पे बर्नर है, अगेन उसके ऊपर किचन हुड है, सीलिंग डिज़ाइन है इसका, कैबिनेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है यहाँ पर। और ये है वो एरिया जहाँ गैलरी एरिया से आप अपने किचन की एक्सेस ले सकते हैं। तो इसकी के साथ इस किचन का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। सीलिंग डिजाइन, किचन से लेफ्ट होके फर्दर आगे आके इधर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे घर में आपको डिटेल इम्पोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग हर जगह आपको देखने को मिलेगी। किचन से लेफ्ट होके बाहर आकर ये स्टोर रूम है, सामने कैबिनेट्स को डिज़ाइन किया गया और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 है, ये मास्टर बेडरूम, इसका भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये पहले आप देख लें, कंप्लीट यहाँ पे फ्लोरिंग टाइल्स की ही की गई है, बिल्कुल सामने एसी है और ये रूफ, इसका सीलिंग डिज़ाइन, ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं इस बेडरूम की मीडिया वॉल। मीडिया वॉल की राइट साइड पे ही अटैच्ड वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया। ये इस वॉशरूम का सीलिंग डिज़ाइन है। वॉशरूम में आप जैसे एंटर होंगे बिल्कुल सामने मिरर को डिज़ाइन किया गया, उसी के साथ वैनिटी है। फर्दर थोड़ा सा आगे आके आप देखेंगे कमोड है और सामने शॉवर एरिया है। शॉवर एरिया में यहाँ पे सिटिंग प्लेस भी डिज़ाइन की गई है, आप यहाँ पे बैठ के वजू करना चाहें या अपनी नीड के अकॉर्डिंग जगह को यूज़ करना चाहें। ये आप देख लें इसका शॉवर। और जबकि इस वॉशरूम में एंटर होके राइट साइड पे वार्डरोब को डिज़ाइन किया गया और ये है सामने बेड वॉल इस बेडरूम की, ये है इसके डोर का डिज़ाइन। फर्दर इस बेडरूम से बाहर आके लेफ्ट साइड पे ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है, अगेन यहाँ पे सुपर ग्लोसी वुडन की फ्लोरिंग की गई है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल वर्क किया गया है पूरे इस मास्टर बेडरूम में। इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लें, बिल्कुल सामने बेड वॉल है, तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। मोल्डिंग का काम पूरे घर में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, वॉलपेपर है पूरे घर में, इस भी वॉल पे ये देखें इस वॉलपेपर का पैटर्न। और सामने आप देख सकते हैं मीडिया वॉल है इस बेडरूम की। फर्दर राइट साइड पे वेंटिलेशन के लिए एलुमिनियम के विंडोज़ और उसके ऊपर डाउनलेंस कंपनी का एसी है, अगेन जो इसका बॉर्डर है वहाँ पे भी काफ़ी डिटेल्ड वर्क किया गया है। और ये है इस मास्टर बेडरूम का मास्टर अटैच्ड वॉशरूम, ये इस वॉशरूम का सीलिंग डिज़ाइन, बिल्कुल सामने वैनिटी है उसी के साथ मिरर, और उसके लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं जकूजी को प्लेस किया गया है। फर्दर यहाँ से आप आगे आके देखेंगे ये है वॉल फिटेड कमोड, उसी के साथ शावर एरिया, ऊपर आप देख सकते हैं रेन शावर, और उधर रूफ पे
एग्जास्ट फैन, यहाँ से भी मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ। और फर्दर इस वॉशरूम में एंटर होकर राइट साइड पे वार्डरोब को डिजाइन किया गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस घर के ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। ये देख लें एक बार दोबारा से। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ, जहां पे 3 बेडरूम्स को डिजाइन किया गया है। ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी का व्यू, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि पूरे घर में वाइट थीम आपको देखने को मिलती है। मेन डोर से एंटर होके राइट साइड पे स्टेयरकेस को डिजाइन किया गया, सेंटर में शैंडिलियर। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फुटस्टेप्स पे ग्रेनाइट है, रेलिंग को बनाने के लिए सॉलिड एशवुड और उसी के साथ ग्लास है। एक और बहुत खूबसूरत चीज़, यहाँ पे लाइटनिंग का और एयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया घर को बनाने से पहले, इसी वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ देखने को मिल रही हैं हर जगह पे। यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडोज़ हैं, आप यहाँ से भी वेंटिलेशन करवाना चाहें तो कर सकते हैं। और ये इसका खूबसूरत सा शैंडिलियर है। सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली डिटेल्ड वर्क किया गया वहाँ पर। यहाँ से एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। अब जैसे ही ऊपर आते हैं, ऊपर आके यहाँ लेफ्ट साइड पे बेडरूम नंबर 1 को डिज़ाइन किया गया है। ये इस बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन देख लें, सामने बेड वॉल है और ये है अटैच वॉशरूम। फ्लोरिंग इसकी बिल्कुल सामने मिरर, उसी के साथ वैनिटी। लेफ्ट साइड पे शावर रूम और आगे आप देख सकते हैं कमोड को लगाया गया, जबकि इस वॉशरूम में एंटर होकर राइट साइड पे वार्डरोब को डिजाइन किया गया। और यह है रूफ पे एग्जास्ट फैन। और यह है मीडिया वॉल इस बेडरूम की। फर्दर यहां से आप अपने टेरेस की एक्सेस भी ले सकते हैं, जहां से घर का फ्रंट एलिवेशन भी है। मैं आपको विजिट करवा देता हूं। इसका फ्रंट टेरेस है, यहां से भी आप ये जो सामने टेरेस उसकी एक्सेस ले सकते हैं। अभी यहां पे डोर को लॉक किया गया, मतलब कि दोनों टेरेस की एक ही एक्सेस को डिजाइन किया गया यहां पर। और इस बेडरूम से बाहर आकर यहाँ सामने से फर्स्ट फ्लोर के फर्दर प्लान की एक्सेस है। इसकी भी पार्टीशन सेम ग्लास और सॉलिड एशवुड का यूज़ करके ही की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन देख लें, कम्प्लीटली हर घर, इस घर में हर जगह पर आपको मोल्डिंग का डिटेल्ड वर्क देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट फ्लोर का इसका लाउंज है, इसका सीलिंग डिज़ाइन देखें। और बिल्कुल सामने बहुत ही खूबसूरत सी इसकी मीडिया वॉल है, मीडिया वॉल की राइट साइड पर ही अगेन फायर किट है। और ये है इसका ओपन किचन फर्स्ट फ्लोर का। फर्दर यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ को भी डिज़ाइन कर दिया गया। यहाँ वॉश बेसन, उसी के साथ अगेन बर्नर, और ऊपर आप देख सकते हैं किचन हुड। काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट्स यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं स्टोरेज के लिए। और इधर सामने वॉल पे देखेंगे आप, अगेन मोल्डिंग का डिटेल्ड वर्क है और इम्पोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग है। ये इसका सीलिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर के फर्दर प्लान की एक्सेस। लाउंज की बैक साइड पे आप देखेंगे बेडरूम नंबर 2 है फर्स्ट फ्लोर का। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ लेफ्ट साइड पे मीडिया वॉल है इस बेडरूम की। और इधर राइट साइड पे बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया।
अगेन यहाँ पे डाउलेंस कंपनी का रिवर्सिबल इन्वर्टर एसी, पूरे घर में नो डाउलेंस कंपनी के एसीज को इंस्टॉल किया गया। और ये इसकी फ्लोरिंग भी देख लें कंप्लीट। और ये है अटैच्ड वॉशरूम मीडिया वॉल के बिल्कुल साथ। इसमें जैसे आप एंटर होते हैं अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर का व्यू आपको मिल जाता है। और उसी के साथ इस वॉशरूम में एंटर होते ही बिल्कुल सामने मिरर है, उसी के साथ वैनिटी को डिज़ाइन किया गया। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, शॉवर एरिया, और उसी के साथ कमोड है, जबकि यहाँ पे वार्डरोब को डिज़ाइन किया गया। इस बेडरूम से बाहर आकर यहाँ पे भी विंडोज़ को डिज़ाइन किया गया और लेफ्ट साइड पे भी, दोनों तरफ से आप अपने इस घर के ओपन स्पेस की एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे स्टेयर्स को डिज़ाइन किया गया जहाँ से आप अपने रूफ टॉप की तरफ जा सकते हैं। और इस बेडरूम से बाहर आके फर्दर राइट साइड पे आप देखेंगे बेडरूम नंबर 3, जबकि इस घर का बेडरूम नंबर 5 है ये। ये इस बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन, बिल्कुल सामने बेड वॉल, और यहाँ पे सुपर ग्लोसी वुडन की फ्लोरिंग की गई है, जबकि यहाँ से आप अपने ओपन स्पेस की एक्सेस भी ले सकते हैं। और ये है सामने मीडिया वॉल इस बेडरूम की। और मीडिया वॉल के लेफ्ट साइड पे ही अटैच्ड वॉशरूम है। इधर इस बेडरूम में फ्लोरिंग कम्प्लीटली वुडन की गई है, जबकि वॉशरूम में टाइल्स का यूज़ किया गया है। पूरे घर में स्पेनिश और ईरानियन टाइल का यूज़ किया गया है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इधर आप देखेंगे वॉशरूम में एंटर होकर बिल्कुल सामने ये वैनिटी है, उसके ऊपर मिरर, जबकि राइट साइड पे आप देखेंगे कमोड, उसी के आगे जकूजी को प्लेस किया गया, और जकूजी के बिल्कुल सामने शॉवर एरिया को डिज़ाइन किया गया। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये है वार्डरोब इस वॉशरूम की। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो को डिज़ाइन किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे डीएचए की, और बहुत ही खूबसूरत हाउस इस वक्त मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो इस घर की डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सामने जो आप देख सकते हैं इस बेडरूम से एक्सेस लेके हम टेरेस की तरफ जाके आगे जो दूसरे टेरेस की तरफ आते हैं, ये वो व्यू है सामने। और ये है बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, ये शैंडेलियर। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ, जिसको बैक साइड पे बेसमेंट में डिज़ाइन किया गया है। इतनी ज़्यादा डिटेल्स घर की मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ की कमी ना रह जाए, और अगर ऐसा होता है तो इस घर के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि मैं सही तरीके से बता नहीं पाया। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। कंप्लीट घर को जो थीम है वो वाइट दी गई है, और बहुत ही एलिगेंटली और ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है कंप्लीट हाउस को। सामने वॉल पे अगेन इम्पोर्टेड वॉलपेपर की फिक्सिंग। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस घर के सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ। यहाँ गैलरी एरिया में भी स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया फ्लोरिंग के लिए। ये वॉल डिज़ाइनिंग देख लें गैलरी एरिया की। और ये है सर्वेंट क्वार्टर का रास्ता। नीचे अभी फैमिली रह रही है इसलिए मैं आपको विजिट नहीं करवा सकता मैं। इसकी वॉल डिजाइनिंग,
इनर लॉन एरिया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेन गेट को बनाने के लिए रॉट आयरन का यूज़ किया गया। तो व्यूवर्स, इसी के साथ इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो 880 है, यानी 8,80,00,000 रुपये। प्राइस इसके नेगोशिएबल है। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।